विक्रांत नाम है बच्चे का, 400 रैंक है। ये तब आया जब एम्स मिल गया और इसको मिल गया गोरखपुर। बच्चे की मेहनत एप्रिसिएट के लायक है, इसलिए लायक है एप्रिसिएट के लायक कि देखो जिन परिस्थितियों में बच्चे पढ़ते हैं वो परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सिलेक्शन से मैटर, मंजिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता होता है। रास्ता जितना मुश्किल होता है सफलता अगर मिल जाती तो स्वाद उतना मीठा होता है उसका। आपको एक बात अच्छे से पता है और आप जानते हो कि हार्ड वर्क करोगे तो एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी, जैसे इन बच्चों को मिल रही है आपको भी मिलना तय है। हाय ना बच्चे, तो ये बात आपको ये बच्चा खुद बताएगा कि बच्चे की तैयारी कैसी रही, कितने प्रयासों में सफल हुआ, कैसे कैसे पढ़ा, क्योंकि इसकी बातें आप सुनोगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा। मैं ज्यादा बच्चे के बारे में जानता इसलिए नहीं हूँ, मेरी तो बात होती है सिर्फ इंस्टाग्राम पे, ठीक है बच्चे। पर हाँ इतना जरूर है कि सफलता के बाद घर में गाँव में बड़ा खुशी का माहौल है। मैंने कल एक रील शेयर की थी मेरे स्टेटस पे कि उसने साफा पहना रहे थे, देखा था जो मैं इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है, उसने देखा कि मैं एक बच्चे को साफा पहना रहा था, गाँव वाले लोग यही है वो बच्चा, इसको गाँव वालों ने सम्मानित किया कि गाँव में सिलेक्शन हुआ वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का। और एक छोटे गाँव से अगर बच्चा, ये भरपुर के पास कोई गाँव है कौन सा गाँव बेटा, सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरी सफलताएं और मैंने कोई कोचिंग नहीं किया, मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा हूँ। मेरा बीएससी नर्सिंग पुणे से हुआ है, फर्गुसन कॉलेज से। उसके बाद मैंने सिर्फ यूट्यूब से ऐसे रेंडमली पढ़ता था, बट मुझे जीनोमिक पता नहीं था नॉर्सेट टाइप का। फिर मेरे फ्रेंड ने किसी ने बताया कि मतलब मैं हमेशा एक दो मार्क्स से रहता था, तो उन्होंने बताया कि तुमको एक बार जीनोमिक देखना चाहिए। तो फिर मैं सर का सबसे पहले क्लास लिया नॉर्सेट फाइव के बाद। तो फाइव के बाद क्लास लेने के बाद फिर मैंने सर के जितने भी सारे यूट्यूब पे क्लासेस थी वो सारे लिए, और जितने भी वो मैराथन क्लासेस थी वो भी लिए, और जितने भी सर थे उनकी सारी क्लासेस ली। फिर मैंने उनका एक शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर मैंने उनको अच्छे से रिवाइज किया 10-15 बार। फिर रिवाइज करने के बाद फिर मैं ज़्यादा एमसीक्यू पे नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि सर हमेशा बोलते हैं कि आपको अगर रैशनल पता है तो आप एमसीक्यू कैसा भी सॉल्व कर सकते हो। तो फिर मैंने रैशनल जितना हो सके उतने सर के रैशनल पढ़े, बार बार पढ़े, और मैं ऐसे ही पढ़ता गया और मैंने ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। मैंने नॉर्सेट फोर दिया, उससे पहले भी दिया, फाइव दिया और ये सिक्स दिया। तो बहुत बढ़िया बात बच्चे ने बोली, चौथा अटेम्प्ट लगा बच्चे को सफल होने में और सफलता मिल गई। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि दो दिन में सफलता तो किसी को नहीं मिलती। आप अगर एक असफलता के बाद ये मान लो कि अब हमारे घर से नहीं होने वाले, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो घर वाले सपोर्ट करेंगे अगर उनमें आप में कैरियर दिखेगा तो। आप रहोगे 30 नंबर से तो घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, आप रहोगे 5 नंबर से सपोर्ट करेंगे ना वो। आप ऐसे मत सोचिए कि रातों रात सफलता मिल जाती है, पर ये कन्फर्म है एक दिन सफलता जरूर मिलती है। चार अटेम्प्ट बड़ी बात होती है, खुद को मोटिवेट रख पाना, निराशा से दूर रखना, क्योंकि तीन बार ना होने के बाद आदमी के मन में निराशा आ जाती है। तुम्हारे लिए सपोर्ट सिस्टम क्या रहा है, मतलब मैं एक बार और अटेम्प्ट करूँ तो कैसे मोटिवेशन मिलता था खुद को बच्चे? मैं हमेशा थोड़े मार्क्स से रहता था तो घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट था, फ्रेंडों का भी अच्छा सपोर्ट था, उन्होंने बोला कि तू कर सकता है। तो फिर मैंने ऐसे मतलब होता है कि आप अगर एक बार दो बार दो तीसरी बार दो तो फिर थोड़ा सेल्फ वो आता है डाउट कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, कहाँ कमी है। लेकिन मैं जब नॉर्सेट फाइव दिया उसके बाद मैं एक बार बैठा और मैंने अच्छे से सोचा कि मेरे में कहाँ कमी है, तो फिर मैंने देखा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वही गलत पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जितना पढ़ रहा था वो सफिशिएंट था ही नहीं। तो मैंने फिर जीनोमिक ज्वाइन किया यूट्यूब पे, तब मेरे को लगा कि रेशनल तो ये होते हैं, मैं तो फालतू में कचरा ही पढ़ रहा था इतने दिन से, तब जाके फैमिली में कौन कौन बेटा? फैमिली में पापा हैं, मम्मी हैं और मेरे दो छोटे भाई हैं। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं। ओके, और अभी जैसे कि कौन कौन सी बुक से क्वेश्चन निकाले, बच्चों को आइडिया, कितने घंटे पढ़ता था बच्चे उसके?
बारे प्रोसाइड है। मैं हमेशा पढ़ाई करता था लेकिन मैंने कॉन्स्टेंट पढ़ाई रखी, मेरी कभी मैंने बीच में छोड़ा नहीं, शादियाँ बर्थडे ये सारी चीजें मैंने छोड़ दी थी। एक दो साल के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, दोस्तों को पता ही नहीं था मैं कहाँ रहता हूँ क्या करता हूँ। तो मैंने छोटे पढ़े थे बर्थडे और एनिवर्सरी जो हर महीने मनाते ना एनिवर्सरी बंद करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी है, समझ में आ रहा है ना? तुम तो अपना बर्थडे छोड़ो, दूसरों के भी नहीं छोड़ रहे, सबके बर्थडे याद रखे बैठे हो, तो ये नहीं चलेगा। पढ़ना है ना तो सबको छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे सब तरफ। हाँ, जब तक सफलता नहीं मिले सब छोड़ तो मिल जाए, मिल ले लो, और जो होगा वो सही वाला मिल ही जाएगा, जो नकली है वो निकल जाएगा, कैसे किस बात के हैं ना? तो ऐसे खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, कईयों की प्रायोरिटी लाइफ में अलग होती है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है पता नहीं, बच्चे की प्रायोरिटी जो थी जो लगा रहा वो मिल गया, प्रायोरिटी बदल लेता तो शायद इसको नहीं मिलता वो सारी चीजें। ठीक है बच्चे, और तुम्हें कुछ पूछना तो पूछो। जब तुम जीवन में के रेस्टर देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो तुम्हें लगता है किताबों में मिल जाते हैं फिर आपको इजीली? बिल्कुल नहीं मिलते। जब मैं शुरू में सभी क्लास ले रहा था तो मैंने शुरू में 5 क्वेश्चन किए थे सर के, तो 5 के 5 गलत थे, तो मैं सोच रहा था कि फिर मैंने रेशनल देखे सर के, तो इतना शानदार रेशनल लगे मुझे, बहुत शानदार। सर का कोई भी क्लास ले, सारे क्वेश्चन तो कोई नहीं कर सकता है, ये तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हमेशा रॉन्ग ही करेंगे, लेकिन रॉन्ग करने से एक फायदा होता है कि आपको उस क्वेश्चन के ऊपर आपका फोकस होता है, फिर आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे आगे जाके, अगर आपने अच्छे से रेशनल किया है तो। मैं तो एक चीज सीखी है मैंने कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है अगर आपके पास रेशनल नहीं है तो हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। अगर आप 100 क्वेश्चन दोगे तो उसमें एक आध क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट आता है। मेरी थ्योरी पे दिया और मेरे कंसेप्ट पे दिया, मैंने बहुत कम क्वेश्चन किए। इतना बड़ा अटेम्प्ट किया क्वेश्चन होने? मैंने अटेम्प्ट किया था 92। और कितने सही हो गए? मेरा सही थे उसमें 20 गलत थे। 72 सही थे, बहुत बढ़िया। चलो फिर लोग कहते हैं कि YouTube से क्या मिल जाता है, मैं आपसे हमेशा कहा था उस एक घर को सहारा मिल जाता है जो नहीं पढ़ सकता वो चिखाते हैं। अरे है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसलिए होता है कि तुम सामने प्रेजेंट होते हो, बस प्रॉब्लम ये है कि तुम उस बेनिफिट को बना नहीं पाते, जबकि जो जरूरतमंद बच्चा होता है वो उसको घर से भी बना सकता है, मास्टर वही है टीचर भी वही है। यहाँ तो मैं फिर भी बहुत डिटेल में बात करते हैं, वहाँ उतनी डिटेल में बात नहीं भी होती है, हर टॉपिक को लेकर तुम यदि प्लीज आए ना, फिर भी अगर हम इस मौके को गवा रहे हैं और यकीन मानो को लोग कहते हैं ना जीवन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत हाई स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, इतना तो एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता तो वही है, ये तो आप अच्छे से पता है, और जो विजी हैं वो तो फिर सबको ही आते हैं। जीवन में वो पढ़ाता है 10 क्वेश्चन 100 में से जो वही कर पाएगा जिसको रेशनल करना आता होगा, और वही 10 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को भी इतनी है कि इस बच्चे से कुछ प्रेरणा मिले तो इसका यहाँ चल गया ना, ये सिर्फ आज कोई काम नहीं है इसको, जयपुर सिर्फ एक ही पर्पज था, इसने कहा सर कल आऊँ, मैंने कहा सुबह आ जाना, कब तक हो? मैंने कहा 10 बजे तक क्लास है, फिर मैं जाऊँगा, मुझे बाहर जाना है। तो उसने कहा ठीक है सर, रात को आ गया कि सुबह नहीं आ पाएगा, 10 बजे की रात को ही आ गया कि सर एक दिन वही दोस्त के पास जाऊँगा, सुबह मिल गया आपसे। तो ये यहाँ चल के आया है, अपने किराया लगा के आया होगा, कुछ को बोल के भी आया होगा, सिर्फ इसलिए कि टीचर से मिलना होता है, और टीचर से इसलिए कि उन्हें लगता है कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूट है उसके सफलता में टीचर का। और मैं तो कहता हूँ तुम इतना कहता हूँ ना कैसा सफल हो गया, इतना बहुत है, नहीं चाहिए मैं तो पोस्टर भी नहीं चाहिए, तुम्हारा क्रेडिट भी नहीं चाहिए, पर तुम्हारे घर में खुशी आ जाए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दो चीज है, बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करूंगा, प्रशंसा वो मैं अब आती हो चुका, बुराई और प्रशंसा दोनों के, प्रेम ऑलरेडी खूब है, पैसा जरूरत नहीं, लिमिटेड के, फिर क्या चाहिए, एक ही चाहिए कि तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आती तो लगता है इसके पापा भी खुश हो रहे होंगे, और पापा जिसके खुश होते हैं उसके लिए मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा पर्सनल इसमें लालच मान लो, ग्रीडीनेस मान लो, कि जैसे कि फादर को अगर मैं खुशी देता हूँ तो इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, माँ भी है पेरेंट्स सब कुछ होते हैं, बट फादर सेटिस्फेक्शन एक लड़के के लिए लड़की के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फादर करके तो मैं पैसे भेज रहा है, वो फादर ही होता है जो अपनी जरूरतों को कम करके तुमको बढ़ावा दे रहा है। आपको बहुत मुश्किल लगता है मैं बता दूं, 4 बच्चों को पढ़ाना एक सिंगल कमाने वाले के लिए आसान नहीं होता, उससे पूछो उसकी पूरी जिंदगी प्लानिंग में निकल जाती है, इस महीने इसको पैसे कहाँ से भेजने हैं, उस महीने पैसे कहाँ से भेजने हैं। और ऐसे अगर पेरेंट्स के बच्चे उसे प्राउड फील कराएं, पूरे गाँव वाले आके इस बच्चे को तारीफ करें, प्रशंसा करें, घर पे आके बात करें, तो उस बच्चे उस फादर का तो 3-4 महीने तो ऐसा रहेगा बिना खाना खाए भी एकदम चौड़ा होकर घूमता रहेगा, और लड़के के लिए और बच्चे के लिए लड़की के लिए उस
उससे प्राउड हूँ मैं, नहीं कि उसने अपने फादर को प्राउड फील कराया। माँ तुम पे प्राउड करती रहती है मेरा लाडला बेटा, बाप तभी प्राउड करेगा अगर सफल हो गया, और वो तुम्हें फील कराना कराना है। मैं तुमसे पहले भी कहा था लिव योर लाइफ फॉर योर पेरेंट्स, एटलीस्ट जब तक वो जिंदा है तब तक तुम के लिए जिए। आप आई होप आप इस बात को समझेंगे कि जिस बच्चे ने कर दिखाया है वो आप भी कर दिखाइएगा, ठीक है। बच्चे का मुंह मीठा कराता हूँ मैं मीठा खिला के। Yeah.